आज सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से जो है स्वागत अभिनंदन है। आज 5 सितंबर के पावन अवसर पे आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। आप लोग अपने विद्यालय में सेलिब्रेट किए होंगे और उसके साथ साथ अध्यापकों को अपना प्रणाम किए होंगे, गिफ्ट दिए होंगे, केक कटा होगा। हमारे यहाँ तो बड़ा फेस्टिवल था, ठीक है। यहाँ बहुत सारे जो है गुब्बारे, बैलून्स और सब जो है फूटे, फोड़ा गया, केक काटा गया, समोसे आए, ठंडा आया, सब खाया पिया गया, ठीक है। और उसके बाद अब क्लास आपकी ली जा रही है, ठीक है। तो क्लास में हम लोग जो है 2 क्लास पीछे ले चुके हैं, तीसरी क्लास की तरफ चलते हैं फटाफट से, समय न लॉस्ट करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक एक पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए और नोट करना शुरू करिए। तो हमारा मेन टॉपिक आज का है नॉर्मलता। तो दोस्तों हमारा जो है टॉपिक है नॉर्मलता, इसे यन से डिनोट करते हैं। यन से डिनोट मतलब होता है कि यन से इसे हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यन से इसे जो है हम लिखते हैं कि यन लिखा रहेगा केमिस्ट्री में, अगर हमारा बिलियन का टॉपिक रहेगा तो उसके मतलब हम समझ लेंगे कि हमारा क्या होता है, नॉर्मलता होता है, ठीक है। तो नॉर्मलता को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसे नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन जो हेडिंग है वो हेडिंग उन्हें आनी चाहिए, ठीक है। टोटल इंग्लिश में भी आपको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है लास्ट समय में अच्छी तैयारी के लिए हमारे जो प्रॉपर पहले एक ज्ञान है वो आ जाए, लास्ट तक आपको इंग्लिश ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सुनते सुनते आते हैं। तो नॉर्मलता है जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं या यन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता सब एक ही जैसे नाम है, सब एक में मिलते रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता को अगर हम नोट करेंगे या सीखेंगे कि नॉर्मलता क्या होता है, तो नॉर्मलता भी आसान ही है, ठीक है। इसमें नॉर्मलता में बताया जाता है कि हमारे जो है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम में जितने तुल्यांक घुले होते हैं, क्या घुले होते हैं, तुल्यांक घुले होते हैं, तुल्यांक घुले होते हैं 1000 ग्राम में जितने हमारे तुल्यांक घुले रहेंगे, ठीक है, क्या घुले रहेंगे, तुल्यांक जितने घुले रहेंगे 1000, मतलब हम समझेंगे एग्जाम्पल से, किताबी भाषा बहुत कठिन होती है, आराम से हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर के लगभग बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा कोई कफ है, इसमें हम पानी भर दिए और इस पानी में जो है ये लगभग हमारा जो है कितना है 1000 ग्राम है, यहाँ हम सब लिखिए 1000 बनाइए आप, ठीक है। 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में जितने हमारे तुल्यांक घुलेंगे, क्या घुलेंगे, तुल्यांक घुलेंगे, तुल्यांक क्या होता है अभी इसे भी हम जानेंगे, ठीक है। पहले शब्द को हम सीखेंगे, तुल्यांक मिला दिए गए इसमें, ठीक है, क्या मिला दिए गए, तुल्यांक मिला दिए गए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलता बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मलता क्या होता है कि हमारा एक कप है 1000 ग्राम का है, ठीक है, 1000 ग्राम में जितने तुल्यांक इसमें घुलेंगे वो हमारी नॉर्मलता कहलाएगी। इतना हम डेफिनेशन लिख देंगे तो काम हो जाएगा। किताबी भाषा में कैसे लिखा होता है, किताबी भाषा में हम लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं उसे बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसे हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, लीटर कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। किसमें घुलेगा, लीटर में घुलेगा, 1 लीटर में जितने तुल्यांक घुले रहेंगे वही उसकी नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक। अब समझेंगे कि 1 लीटर में ये तुल्यांक क्या चीज है, जो कठिन नाम है बस, तुल्यांक जैसे हम लोग के ना समझ में आता है कि चलो एप्पल बता दिया गया, दिमाग में आ गया कि एप्पल ऐसे होता है, खाते हैं मीठा होता है, कच्चा एक में होता है ना। अब तुल्यांक शब्द आ गया, ये तुल्यांक क्या होता है, दिमाग में आएगा तुल्यांक क्या होता हमारा, ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि तुल्यांक हमारा यही है कि नहीं है, ठीक है, या क्या होता है। तो हमने कक्षा 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, किसमें पढ़ा होगा, 11 की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो हमारा एक चैप्टर था उसमें लिखा गया था अणुभार, क्या लिखा गया था, अणुभार बटे संयोजकता, क्या होता है, अणुभार बटे संयोजकता, इसे हम तुल्यांक कहते हैं, अणुभार बटे संयोजकता को हम क्या कहते हैं, तुल्यांक कहते हैं। किसी का अणुभार कितनी है और उसकी संयोजकता से उसे विभाजित करेंगे तो उसका तुल्यांक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तुल्यांक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मान लो कोई एग्जाम्पल अच्छा सा हम ले लेते हैं, यहाँ हम ले लिए एग्जाम्पल NaCl का, नमक है ये हमारा, ठीक है, किसका, नमक है ये हमारा, तो इसका हमें तुल्यांक बताना हुआ कि इसका तुल्यांक क्या होता है, तो इसका पहले अणुभार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अणुभार। अगर आपको
थोड़ा सी भी आइडिया हो कि इसका अणुभार कैसे निकालेंगे तो इसे याद करना पड़ता है। जैसे इसका हमारा सोडियम है तो परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन अणुभार उसके दूसरे साइड में लिखी होती ना। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा, अगर परमाणु क्रमांक याद किया होगा तो सोडियम होते हैं, ठीक है, और उसका प्रतीक Na होता है, 11 नंबर पे होते हैं, और इसका अणुभार इस साइड में अपना लिखा होता है, ठीक है। तो इसका अणुभार सोडियम का हमारा कितना होता है, 23 होता है ना। तो सोडियम का हमारा कितना हो गया, 23 प्लस क्लोरीन का अलग से होगा, उसका परमाणु क्रमांक हम याद करेंगे तो 17 नंबर पे आएगा, और उसका अणुभार हमारा 35.5 आता है। कितना आता है, 35.5। हम कैसे बता पा रहे हैं, हमें पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ते पढ़ते भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कितना पे कौन सा है। और थोड़ा सा आप अगर मेहनत करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, अपनी कोई भी किताब देखेंगे जहां पे आपके जो है दिए होंगे कि हमारा जो है हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, जहां ऐसे लिखा रहता है उसके दूसरे साइड में हमारा जो है उसका भार भी लिखा रहता है, ठीक है। तो कुछ गिने चुने होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इतना पढ़ते पढ़ते देख सकते हैं, नहीं तो और अच्छे से पहले से याद करना हो तो याद कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया। अब इनकी संयोजकता क्या होती है, संयोजकता मतलब जितने बंध की वो साझा करते हैं, ठीक है, लेन देन जो होती है उनकी, वही उनकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहती है। जितने में वो टूटते हैं, जैसे ये हमारा टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, मतलब इनकी साझा जो एक की हो रही, कितनी की हो रही है, एक की, तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब इसे हम भाग देंगे, तो भाग देने के बाद पहले इसे हम जोड़ लेंगे ना, 35.5 और 23 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे करके जोड़ लेंगे 35.5 और 23, ठीक है। इसके दशमलव के बाद ही ये लिखते ना, तो ये 5 हो जाएगा, और 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 3 2 5, 58 दशमलव कितना आ जाएगा हमारा, 58.5 बटे 1, 1 से भाग देंगे, काटेंगे उससे तो उतना ही आएगा, सेम ही आएगा हमारा, उसमें कुछ बदलेगा नहीं। अब ये NaCl का तुल्यांक हो गया, क्या हो गया, NaCl का तुल्यांक हो गया, क्योंकि अब उसकी संयोजकता से उसे भाग दे दिया गया, जो आया उसका वो तुल्यांक हो गया, ठीक है। अब संयोजकता कोई जरूरी नहीं एक ही रहे, अगर दो से साझा कर रहे हैं तो उनकी संयोजकता 2 हो जाएगी, 3 साझा कर रहे हैं तो 3 हो जाएगी, जो उनके ऊपर चार्ज आता है, एक्चुअल में अगर बताया जाए तो उनके ऊपर जो चार्ज या आवेश आता है वो उनकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, या जितने बांड का वो अपना आदान प्रदान करते हैं वो उनकी क्या होती है, संयोजकता होती है ना। अब हमें पता चला कि तुल्यांक क्या होते हैं, तुल्यांक हमें ये पता चला कि तुल्यांक क्या होते हैं, अणुभार बटे संयोजकता को हम तुल्यांक बोलते हैं, और 1 लीटर में हमारे जितने ये तुल्यांक घुले रहेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है। तो हम अपने भाषा में लिख लेंगे कि 1 लीटर में कितने ग्राम हमारे, या ग्राम को यहाँ लीटर हम ही लिख लेंगे, ठीक है, 1 लीटर में हमारे जितने भी तुल्यांक घुले रहेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है। तो नॉर्मलता क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे कि 1 लीटर पानी में या बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन लिखेंगे, 1 लीटर बिलियन में जितने तुल्यांक घुले होते हैं वो उनकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। फटाफट से आगे इसकी फार्मूला देखेंगे नॉर्मलता की, कि नॉर्मलता के हमारे फार्मूला क्या होते हैं। ठीक है, मिटा दें, हो जाएगा। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे चीज लास्ट तक आसानी से आराम से क्लियर हो जाएंगे, और हमारे एक एक टॉपिक भी जो है क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए ही लास्ट समय में 3-4 मंथ के लास्ट में ही तैयारी जो है क्या हुई है, शुरू हुई है, काम इतना ही करना है, बस रोज का काम रोज जो है हमें क्या कर लेना है, पूरा कर लेना है, बस इतना सा छोटा सा काम हमें करना है, ठीक है। तो नॉर्मलता इसका दिया गया है कि 1000 गुणे W बटे A इंटू V, ये इसकी फार्मूला है जिसपे हम सवाल भी हल करेंगे, इससे सवाल भी आते ना, तो सवाल हल करना है, सवाल को भी हम सीखेंगे कि किस तरह से सवाल को हम इसमें
हल करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल भी इसका अभी हम तुरंत सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि इस फार्मूला को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मेन चीज है फार्मूला हमें पता हो गया, यूज करना हमें नहीं आया। तो नहीं आया तो इसका विकल्प यहाँ पे है। पहले हम फार्मूला में एक एक चीज को जान लेंगे। ठीक है, 1000 इसमें दिया गया, 1000 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम सीखेंगे कि ये W क्या है इसमें। तो W इसमें जो घुलेगा, विलेय का भार रहेगा। इसका भार रहेगा विलेय का, जो चीज इसमें घोला जाएगा उसका ये भार है। कौन है? W है। E क्या है? इसका तुल्यांक है। E क्या है? तुल्यांक है। अभी हमने सीखा कि तुल्यांक क्या होते हैं, या तुल्यांकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, भी क्या है? भी आयतन है। ठीक है, बिलियन का आयतन लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बिलियन का आयतन, और भी हमारा लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए ना। ये चीजें हमारी इसमें है, इसकी फार्मूला है। अब इस फार्मूले के हिसाब से इसके सवाल हल किए जाएंगे। पहले सवाल पे क्या चीज होते हैं, जो सवाल में हमारे दिए रहते हैं, पहले हम जानेंगे कि क्या क्या चीज उसमें दिया गया है और इसमें कहाँ पे वो चीजें हैं, वहां हमारा जाके वो सेट होगा। ठीक है, ये नोट करो, फिर हम एक सवाल लिख के उसका काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, माइक वाइक चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी चार्जिंग नहीं रहती तो बंद हो जाता है, तो वीडियो सब खराब हो जाते हैं। हो गया? ठीक है, अब पहले सवाल इस पे हम नोट करेंगे फटाफट से कि हमारा सवाल जो है कौन सा है, और उस सवाल पे इस फार्मूला को हम जो है लगाएंगे। ठीक है, तो सवाल यहाँ से हम नोट कर लेते हैं। सवाल क्या दिया गया है? इसमें दिया गया 4 ग्राम एन ए ओ एच, 4 ग्राम एन ए ओ एच। ठीक है, 4 ग्राम को जी लिख दिए, इसका मतलब ग्राम हो गया। ठीक है, को जल में घोलकर, को जल में घोलकर, जल में घोलकर, किताब के भी सवाल हल कराएंगे। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका, फिर किताब वाला भी सवाल हल कराया जाएगा। घोलकर बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन 250 कितना है? 250, बिलियन का कुल आयतन 250 ml वहां लिख देंगे। ठीक है, इधर ही लिख दे रहे हैं, आप वहां जोड़ लीजिएगा। 250 ml कर दिया गया, कर दिया गया, कर दिया गया। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। एक एक चीजें अच्छे से क्लियर करेंगे, क्वालिटी के साथ जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम आंसर देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आंसर में पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होगा, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ हमारे दी गई है और क्या नहीं दिया गया है, और उसी के हिसाब से हम जो है आगे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, हमारा क्या था? नॉर्मलता बराबर, इसी के हिसाब से अकॉर्डिंग काम करेंगे। नॉर्मलता बराबर हमारा था 1000 गुणे डब्लू बटे ए इंटू भी। इसमें से हमें 3 चीजें कम से कम जो है मिलना चाहिए, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है 4 ग्राम एन ए ओ एच को जल में घोलकर। ठीक है, कौन घुल रहा है? एन ए ओ एच। ठीक है, और कितना है उसका भार? कितना है? 4 ग्राम। ठीक है, तो भार है वो, तो भार को हम किससे लिखेंगे? W से। किससे लिखेंगे? W से। ये भार हमारा 4 ग्राम आएगा और ये घुल रहा है। ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। घुलकर बिलियन में कुल आयतन जो है कितना हो जा रहा है? 250 ml हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 50। तो भी हमारा इसका क्या था? आयतन था। भी क्या था इसका? आयतन था। ये हमारा कितना हो गया? 250 ml हो गया। कर दिया गया है, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से 2 चीजें तो हमें पता हो गई, ई हमें नहीं पता चला। क्या नहीं पता चला? ई नहीं पता चला। तो ई कहाँ हमारा है?
यानी ए ओ एच ये हमारा ई है, तो एन ओ एच तो हम लिखेंगे नहीं, ई हमारा तुल्यांक ई है। अब इसका भार निकालेंगे और फिर इसकी संयोजकता से इसे भाग करेंगे, क्योंकि हमने तुल्यांकी बराबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था तुल्यांकी बराबर, ई बराबर हमने क्या पढ़ा था, भार बटे संयोजकता, क्या पढ़ा था, संयोजकता, ठीक है। अब इसका भार हमने निकालना है हमें, तो इसका भार हम कैसे निकालेंगे, तो इसका भार हमें जो है यन ए का भार कितना होता है, ठीक है, यन ए का भार कितना होता है 23 होता है। अब यहाँ यन ए है, फिर ओ है, फिर एच है, ओ का कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, आपको याद कर लेना है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, बटे इनकी संयोजकता कितनी होती है, तो ये टूटते हैं यन ए प्लस में ओ एच माइनस में, तो ये इनका भी यन ए प्लस में ओ एच माइनस में टूट रहा है, तो इनकी भी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सब हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 23 में 1 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हमारा 40 बटे 1, 1 से भाग देंगे तो हमारा ई बराबर जो है कितना आ जाएगा 40, 1 से 40 को काटेंगे 40 के 40 तब भी 40 आएगा, तो ई बराबर हमारा कितना आ गया 40। अब ये हमारा तो आ गया तुल्यांकी भार, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम इसे सॉल्व करेंगे, सारा चीज रख के हल करेंगे, तो एन बराबर 1000, डब्लू का मान कितना है यहां दिया गया 4, बटे ई का मान अभी निकाले कितना है 40, गुणे भी का मान कितना है 250। अब इसे काटेंगे, एक एक चीज ऊपर नीचे भाग देंगे, तो सेम सेम चीज पहले काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया, ठीक, इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक, 4 से 4 कट गया, अब बचा कितना है 10 बचा और 25 बचा है, 10 को हम 25 में भाग देंगे तो 25 से भाग देंगे कितना आएगा, तो यहाँ हम सीख लेते हैं भाग, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 25 से भाग देंगे इसमें जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लिखेंगे, जैसे ही दशमलव जाएगा 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब 0 के बाद दशमलव लग गया तो 10 अपने आप से यहाँ आ जाता, अब 100 हो गया, 100 में 25 से भाग देंगे कितना हुआ 4 बार जाएगा, 25 चौका 100, 0 से 0 गया, 0 सब कट के खत्म हो गया, यहाँ हमारा आ गया 4, तो मतलब इसे हम 25 से अगर भाग देंगे इसमें 10 में तो ये बन जाएगा हमारा कितना 0.4, तो n बराबर हमारा आंसर आ गया 0.4, तो n बराबर हमारा आंसर आ गया 0.4, तो 0.4 ये हमारा आंसर हो गया। और साथ साथ एक चीज और इसी समय हम सीखते चलेंगे, इसका जो है मात्रक भी होता है, तुल्यांक लीटर, इसका मात्रक होता है तुल्यांक लीटर, दूसरे पेन से लिखते रहे, तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, इसका किसका मात्रक है, किसका मात्रक है नॉर्मलता का, यन का ये मात्रक है तुल्यांक प्रति लीटर। तो यहाँ की ये एक टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर हो गया, किस तरह से हमें हल करना है, कैसे क्या करना है, अभी नहीं समझ में आएगा तो और न्यूमेरिकल इसका कराएंगे तो सारा चीज आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो के लिए फिर बने रहिए, अभी